आज पढ़ ले नमाज इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए, और आज अपना हिसाब किताब कर ले इससे पहले कि तेरा हिसाब किताब लिया जाए। अल्लाह अल हय अल कय्यूम अल कदीर है, दबाया नहीं जा सकता किसी की बात से। नहीं मानने पे आए तो किसी की नहीं मानता, मानने पे आए तो चूंटी की भी सुनता है फिर उस टाइम को। न एक लम्हे में आती है न एक लम्हे में जाती, हमारी पकड़ बहुत सारे। जो इस दुनिया में बुलंद ना हुआ बेटा, वो आखिरत में क्या बुलंद। And that's what Hazrat Umar is saying. Hasib, hisab le Allah ke bande, qabla an tuhasabu, wazinu, qabla an tuzan. Apna wazan kar le aaj, isse pehle ke tera wazan kiya. Aaj pad le namaz, isse pehle ke teri namaz padi jaye, aur aaj apna hisab kitab kar le, isse pehle ke tera hisab kitab liya jaye. Aur Allah ke liye amal namon mein se koi bhi cheez nikal ke कह देना कि मैं नहीं मानता। जब पूरी दुनिया का सोना खर्च करते नहीं मानता, नहीं माफ करता मेरी। इसलिए अल्लाह अल हय अल कय्यूम अल कदीर है, दबाया नहीं जा सकता किसी की बात से। नहीं मानने पे आए तो किसी की नहीं मानता, मानने पे आए तो चूंटी की भी सुनता है फिर उस टाइम। मदीने का सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई, रासुल मुनाफिक द लीडर ऑफ द हिपोक्रेट्स, जब फौत हुआ बहुत नुकसान दिया उसने अल्लाह के दीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, आप सल्लम ने वहां भी रहमत दिखाई और उसके लिए माफी मांगना चाहिए। कुरान की आयत है भाइयों, अल्लाह कायनात की रहमतुल आलमीन से कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे हबीब तू 70 बार भी इसके लिए अगर इस्तग़फ़ार करे हम माफ नहीं करेंगे। इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, हमारी पकड़ बहुत सख्त, न एक लम्हे में आती है न एक लम्हे में जाती। हम बहुत वक्त देते हैं इंसान पकड़ने पे आए तो ये याद रखना, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, डर जा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो डर जाओ, तौबा कर लो, माफी मांग लो इससे पहले कि तुम्हारी मौत वाकई हो जाए, वरना इट्स खलास।